कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसते हुए कहा कि चौकीदार खुद ही भ्रष्टाचारी है। यह बात जनता भी जान चुकी है। इस बार सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, वो भी भारी बहुमत से। उन्होंने तमाम प्रकार के गायब कर दी, उन्होंने तमाम चीजें जो दिखाता है कि ये एक फासिस्ट सरकार केंद्र में बैठी है। देखिए, 5 साल से वो सत्ता में है, केंद्र में करीब करीब, और कांग्रेस की कोई पोल घुसी तो आप सोचते हैं कि मोदी और अमित शाह जैसे तड़ी पार अभी तक चुपटते हैं? जो गुजरात में जिस तरह से जासूसी कांड हो, चाहे पूरा गुजरात जो जला उसके जो रफा दफा पूरा कर सकते हैं जांच को, तो यहाँ भी वो उसी प्रकार से केंद्र में भी काम कर रहे हैं, पूरे अपने खिलाफ हो रहे सभी भ्रष्टाचार को रफा दफा करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर को रात के 2 बजे आदेश देके छुट्टी पे भेजा जबरदस्ती, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, और ये दिखाता है कि चौकीदार डर गया चोरी कर रहा है जाने से। क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा दिल्ली का नहीं है, ये मुद्दा आपके और मेरे जेब का है, आपके और मेरे द्वारा भरे हुए टैक्स के पैसों का है। जो हम देश को चलाने के लिए जो टैक्स भरते हैं, वो मोदी जो चोर है वो अपने कुछ 15 दोस्तों पे, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और उनकी जेबों पर डाल रहे हैं।